ना मामा गोविंदा, ना बड़े भैया कृष्णा। परिवार के इस खास शख्स ने किया आरती का कन्यादान। पीछे खड़े देखते रहे भैया भाभी, कौन है वो जिसे सौंपी गई थी आरती के कन्यादान की जिम्मेदारी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ना तो बड़े मामा कीर्ति कुमार और ना ही छोटे मामा गोविंदा, आरती के दोनों मामा में से किसी ने नहीं किया था भांजी आरती का कन्यादान। इतना ही नहीं, पूरी शादी में अपनी बहन के लिए पिता का फर्ज निभाने वाले बड़े भैया कृष्णा अभिषेक ने भी ये अहम जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। आरती का कन्यादान करने की जिम्मेदारी उस खास शख्स को सौंपी गई थी जिसके साथ उनका खून का नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। वो रिश्ता हर रिश्ते पर भारी है। जैसा कि सब जानते हैं कि जन्म के 20 दिन बाद ही आरती की मां का निधन हो गया था, तो बरसों पहले ही उनके सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। ऐसे में जब आरती की शादी का शुभ दिन आया तो सभी को लगा था कि उनके कन्यादान की जिम्मेदारी उनके दोनों मामा कीर्ति कुमार या फिर गोविंदा को सौंपी जाएगी। आरती की शादी में कीर्ति कुमार और गोविंदा दोनों ही मौजूद रहे थे। 8 साल की नाराजगी भुलाकर गोविंदा अपनी भांजी को आशीर्वाद देने आए थे, तो उम्मीद जगी थी कि गोविंदा ही अपनी भांजी के हाथ पीले करेंगे, कन्यादान कर आरती का हाथ दामाद दीपक के हाथों में सौंपेंगे। लेकिन गोविंदा बीवी सुनीता के बिना शादी में आए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर थोड़ी ही देर में वहां से चले भी गए। तो कुछ फैंस ये भी मान रहे थे कि अपनी बहन की शादी में कृष्णा पिता का हर फर्ज निभा रहे हैं, तो कन्यादान करने का सौभाग्य भी उन्हें ही मिलेगा। लेकिन आरती और दीपक की शादी से सामने आई इस तस्वीर से ये भी साफ हो गया कि आरती का कन्यादान उनके बड़े भैया भाभी कृष्णा और कश्मीरा ने नहीं किया था, बल्कि कन्यादान के समय अपनी लाडली के पीछे खड़े होकर ये दोनों हर रस्म पूरे ध्यान से देख रहे थे। तो फिर कौन है वो लोग जिन्होंने दुल्हन बनी आरती का हाथ पीले कर उनका कन्यादान किया? तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि आरती की मां समान गीता आंटी और उनके बेटे बहू हैं। जी हाँ, वही गीता आंटी जिन्होंने आरती को मां बनाकर पाला, जिन्होंने आरती को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। आरती पर अपनी जान छिड़कने वाली उनकी मां समान गीता आंटी ने किया था अपनी लाडली का कन्यादान, वो भी अपने बेटे विवेक और बहू अनुजा के साथ मिलकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कृष्णा ने अपनी बहन का कन्यादान करने की जिम्मेदारी खुद ना लेकर बल्कि उनके राखी भाई विकी भैया और गीता माँ को सौंपी थी। बता दें कि गीता सिंह के बेटे विवेक सिंह के साथ आरती बेहद खूबसूरत और गहरा रिश्ता शेयर करती हैं। अक्सर आरती विकी भैया के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर उन पर प्यार लुटाती रहती हैं। शादी के दिन भी विवेक सिंह ने भाई होने के सारे फर्ज अदा किए थे। मंडप में आरती ने दोनों भाइयों कृष्णा और विवेक के साथ ही एंट्री की थी। और अब कन्यादान का हक सौंप कर आरती ने यह बता दिया है कि उनकी जिंदगी में गीता आंटी और विकी भैया की कितनी अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।